आर के अग्रवाल, मैं छतरपुर एमपी से, बड़ा वाला बाला कैदी प्रशांत अग्रवाल नाम, 31 ईयर्स। इनको जो है 5-6 साल की उम्र में बोलना नहीं आ रहा था, तो अपन ने इनको न्यूरोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने बताया कि इसके कान में प्रॉब्लम है, आप इसको ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखवाएं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका इसको कान से सुनाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने मशीन सजेस्ट की थी। तो मैंने उनसे आर्गूमेंट किया कि आप जो है मशीन क्या, इसका कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो सकता है, बोले ये नस जो सुनने वाली होती है, जो कान को ब्रेन से जोड़ती है, इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं, और ये बाल के बराबर पतली होगा करती है, इसका ऑपरेशन होना संभव नहीं है, होना होता है। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें तो इंग्रीडिएंट मशीन लगाने में तो ये क्लास में या बच्चों के साथ पढ़ने में इंग्रीडिएंट ही महसूस करेगा। तो डॉक्टर का कहना था कि अगर ये इंग्रीडिएंट ही महसूस करता है, किसी को चश्मा दिखता ना हो और उसको हम चश्मा सजेस्ट करें और वो चश्मा लगाने में इंग्रीडिएंट ही महसूस करें तो ना देखें, परेशान रहे। तो इसी तरह ये मशीन का है, अगर उसके प्रॉब्लम है तो उसको लगाना पड़ेगा। यहाँ आने का यूट्यूब में मैंने देखा था कि यहाँ कोई होम्योपैथिक इलाज किया जाता है, जिसमें जो है दवाई 6 महीने के लिए दी जाती है और यहाँ दवा डाल के कुछ बोलने का प्रयास भी कराया जाता है। नई मशीन एक तो खराब हो गई थी, एक कान में लगाए थे तो मशीन के द्वारा भी पीछे से सुनाई नहीं दे रहा था। उसमें ये चेंजेज आपने जो 3 घंटे दोनों कानों में 1-1.5 घंटे दवा डाल के रखी, उसके बाद फिर दोबारा आपने जब उससे बातचीत की, तो अब उससे थोड़ा सा ऐसा तो महसूस हुआ है कि जो है उससे बिना मशीन के भी उसने कुछ शब्द सुने हैं, और उसने ऐसा महसूस किया है क्योंकि 25 साल का वाकया हो गया मशीन लगाते हुए, तो एकदम से तो उसको सही नहीं हो सकता, लेकिन आपने 6 महीने के लिए जो दवाई दी है और ऐसा आज महसूस कराया है कि उसको कुछ आवाज़ अंदर गई है, तो इससे जो है अच्छा महसूस करते। इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये दवाई वैसे भगवान करे कि सही हो जाएगा, हमें ऐसा महसूस हो रहा है।